हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बांद्रा में घूमने के लिए आया हूँ और यहाँ पे बहुत से लोग अपना अपना कपड़ा सुखाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। अब हम जाएंगे उन झाड़ियों के करीब। यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो कि कचरा बहुत है। इंडिया है, आप क्या कर सकते हो। कचड़े कचड़ा नजर आ रहा है यहाँ पे, देखिए कितना सारा कचड़ा है यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं झाड़ियों के पास पहुँच चुका हूँ। रोड तो बहुत अच्छी है पर मुझे मालूम नहीं है झाड़ कौन सा है, लेकिन अच्छा तो है झाड़। यहाँ पे बीच में किसी परिंदे का घोंसला है, कौवे का लग रहा है मुझे। यहाँ पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पानी की छोटे छोटे लहरें उबाल मार रही है। नाव भी बहुत सारे हैं पर मुझे यहाँ का ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। झाड़ियाँ, यहाँ पे एक परिंदा दिखता हुआ नज़र आ रहा है मुझे और ये मुझसे डर रहा है, मुझसे डर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आराम आता है दीदार से, तेरे मिट जाते हैं सारे गम। और ये जगह कपल को लाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अच्छी जगह है। पहले तो मुझे लगा कि बस ये ऐसे ही देखने के लिए जगह है, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ नज़र आया जो किसी तरह का छोटा सा मंदिर है। अब मैं उसे देखने के लिए यहाँ से वहाँ तक जाऊँगा। जो वहाँ तक जाने के लिए अपने शूज तो निकालना ही पड़ेंगे, नहीं तो मैं गिल्ला हो जाऊँगा। मैंने पूरी तैयारी कर ली है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो मेरे फ्रेंड काम कर चुके हैं। सवारी से चलना होगा हमें। बस मुझे गिरने का डर है। के संग तेरे पानियों सा 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 पानी 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 संग तेरे। मैंने आज के लोकेशन के बारे में पता किया। लोकेशन का नाम है टाटा रोड, जो रिजी कॉलेज 800 किलोमीटर के सामने पर। बस हम कुछ ही कर ही गए। जब पानी से तो बहुत डर लगता है, बल्कि संभाल के चलते रहना होगा क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं रहा। और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ पे मुझे कुछ दिखा है, नंदी है और शिवलिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जो पानी के बीच में है। और वहाँ पे साइड से गणेश भगवान जी का मूर्ति है। मैं आपको थोड़ा और करीब से दिखाता हूँ। और ये गणेश भगवान जी की मूर्ति है यहाँ पे, जैसे बहुत से लोग हिंदू भाई लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं। दूर से चलते हैं वहाँ। जिया हो बिहार के लाला, आए जिया तू हजार साल संभाल। जिया है बिहार के लाला, जिया तू हजार साल, जिया हो तू घोर बवाला, जिया तू हजार साल, जिया तू हजार।
तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया तनी नाची गाई सबके मन बहलावा। जैसे जैसे यहाँ पे रात होती है यहाँ की लहरें बढ़ती हुई चली जाती है जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ पे दोपहर में आना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम पानी का वर्तमान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि यहाँ पे शाम के टाइम पानी का वर्तमान ज़्यादा हो जाता है तो मुझे जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। पहले जो रास्ता दिख रहा था वो काफ़ी ज़्यादा पानी आने के कारण रास्ता दिख नहीं रहा, उसकी वजह से मुझे आते टाइम पहले छोड़ दिया था। मैं अभी इन झाड़ियों में घूमने के लिए निकल चुका हूँ ताकि आपको झाड़ियों का अंदर का व्यू मैं आपको दिखा सकता हूँ। अंदर कहीं कहीं जगह पे तो कुछ इस तरह के पानी है जो समुंदर के पानी यहाँ तक भी आ जाते हैं। और ये कुछ भाई ये पेड़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का, यहाँ पे तो आम के भी पेड़ नहीं है किसी भी तरह के पेड़ नहीं है, सब एक ही तरह के पेड़ है यहाँ पे। और ये शायद से किसी भगवान की मूर्ति इस पेड़ पे रखी हुई है। फिर इतने सारे कचड़े पेड़ पे लटके हुए कैसे नजर आ रहे हैं। बड़ा जंगल है पर मैं अंदर तक ज़्यादा जाऊंगा नहीं क्योंकि अंदर जाना खतरनाक साबित हो सकता है, किसी भी तरह जानवर या कुछ बेड़े ओढ़े चोर और लोग जिससे मुझे नुकसान हो सकता है तो मैं इस जंगल से बाहर निकलता हूँ। किसी का जूता है यहाँ पे लगता है यहाँ पे टग ऑफ वार खेला जाता है जो इस तरह से रस्सी बांधी हुई है, यहाँ पे टग ऑफ वार शाम को खेला जाता है। जैसा कि मैंने आपको कपड़ों के बारे में बताया था तो यहाँ पे धोबी लोग अपना कपड़ा सुखाने के लिए लेके आते हैं। दिखता तो पूरा मेन स्टैंड की तरह है पर यहाँ पे शाहरुख खान का घर तो है नहीं और ना ही ये मेन स्ट्रीट है, ये इस लोकेशन का मैं नाम मैंने पता किया, इस लोकेशन का नाम पता किया, इस लोकेशन का नाम है बांद्रा वेस्ट काटा रोड जस्ट श्रीजी कॉलेज के सामने। मैंने इसका नाम रखा है मिनी मेन स्टैंड। आज दिल शायराना 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 लगता है।